इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। क्या सनअती तरक्की में इजाफा हुआ? क्या मईशत का फैया तेजी से चला? कुछ हो ना हो, मौजूदा दौरे हुकूमत में एक शय में तो इजाफा हुआ और वो है गधे। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में दिलचस्प इंकशाफ किया गया। 2020-21 की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल में मुल्क में 2 लाख गधे बढ़ गए। दो हजार 18-19 की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गधों की तादाद 54 लाख थी, जो 2020-21 में 56 लाख हो गई। न्यूज और आई, वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो आप लोगों ने होपफुली देखा भी होगा कि पाकिस्तान में जो है वो एकदम से जो गधे हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। सब बड़े परेशान है कि जी पाकिस्तान में गधे जो हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होती चली जा रही है। और पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर जो जो पब्लिक है, जो यहाँ की पॉपुलेशन है, उसको तो ये काउंट नहीं करते, जो मर्दमशुमारी जिसको उर्दू में कहते हैं, और उनको तो पता नहीं लगता कि कितने लोग हो गए हैं, अब क्या पॉपुलेशन का नंबर है, कितने लोग हैं। ये चीज चेक करने में कभी ये 10 साल लगा देते हैं, कभी ये 17 साल के बाद करते हैं, लेकिन गधे ये हर साल गिनते हैं। और शायद आसानी रहती होगी, जाहिर है आधे से ज्यादा तो पार्लियामेंट के अंदर ही मिल जाते हैं, तो वहां से जाके काउंट कर लेते हैं और बाकी जो थोड़े बहुत बाहर घूम रहे होते हैं उन्हें भी काउंट हो जाते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि गधे जो हैं वो पाकिस्तान में हर साल पिछले साल से ज्यादा होते चले जा रहे हैं। जाहिर है जिस मुल्क का बजट जो है उसके डिफेंस बजट से कहीं कम होगा वहां पर आपको गधे ही मिलेंगे। आपको कोई साइंटिस्ट, कोई पायलट, कोई डॉक्टर, कोई आईटी एक्सपर्ट या कोई पढ़ा लिखा तो कम ही नजर आएगा। जाहिर है आपको मेजॉरिटी लोग जो हैं अब वो इसी तरह के गधे मिलेंगे, तो फिर जाहिर है गधों की पॉपुलेशन भी ज्यादा हो जाएगी। और अब तो ये बात हम खुद भी मान चुके हैं और हमने ये न्यूज भी ब्रेक कर दी है कि जी पाकिस्तान में गधे जो हैं वो बढ़ गए। गर्मी का क्या हाल है जी? गर्मी तो इतनी है, इतनी इतनी कि मैं क्या बताऊं, सारी दुनिया चांद पे जा रही है और मुझे लगता है पाकिस्तान सूरज की तरफ निकल गया है। और इस वजह से जो है यहाँ पर सारे टाइम गर्मी 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 के आप ना पूछें। इंडिया में क्या हाल है? वैसे मेरा ख्याल है कि इंडिया में भी काफी गर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान जितनी तो शायद फिर भी ना होती हो। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि जी जैसे हमने पहले आपको बताया 1330 बिलियन रुपीस का बजट जो है वो है जी हमारी आर्मी का फिलहाल जो दिया गया है। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि सर आप जो ब्लैक गाड़ी भेजते ना, वो बड्डी वाली उठाने के लिए लोगों को वीगो कार जो कहलाती है, तो उसको भेजने के बजाय आप ऑल्टो से या आप उस सुजुकी जो आती है ना छोटी वाली डब्बा माचिस की डिब्बी जैसी क्या कहते हैं उसको, या मेहरान वो भेज के उठवा लिया करें लोगों को जिसको आपने उठवाना होता है। थोड़ा खर्चा तो कम होगा ना सर, थोड़ा सा बजट तो कम कर लीजिए ना अपना। मतलब इतनी बड़ी गाड़ी भेजने की क्या जरूरत है किसी एक जर्नलिस्ट को उठाने के लिए या किसी एक एक्टिविस्ट को उठाने के लिए? इतनी बड़ी गाड़ी भेजेंगे सर, छोटी गाड़ी में भी आ जाते हैं, हम लोग को तो आदत है, हम तो हमारे पास वैसे भी छोटी गाड़ी है, तो हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट उसमें भी आप उठा के ले जा सकते हैं और वापस तो आपको पता ही, फिर तो आप कहीं भी जंगल में रास्ते में छोड़ देते हैं बेचारा, बस पकड़ के अपने इलाके में पहुंचते हैं। तो उसके लिए सर अपना बजट अगर आप थोड़ा सा समझ रहे ना। लेकिन खैर, इस साल मेरा ख्याल है कि जो हेल्थ का और एजुकेशन का बजट रखा गया है जो कि बहुत ही कामयाब, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 9 बिलियन रुपीस जो है वो रखे गए हैं एजुकेशन के लिए, और उसके बाद 21 बिलियन रुपीस जो है वो रखे गए हैं, पाक रुपीस रखे गए हैं हेल्थ के लिए। मेरा ख्याल है वो भी रहने ही दें, वो भी ना ही दें हम लोगों को, इसलिए कि हमें उसकी जरूरत नहीं, हम उसके बगैर भी गुजारा कर लेंगे। और वही पैसा जो बचेगा एजुकेशन और हेल्थ का, उसको जी आप लगा दीजिए यूथियों के इलाज पे, ताकि ये जो यूथिया है ना इनके दिमाग का इलाज हो जाए,
जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये यूथिया क्लब के जो मेंबर्स हैं वो किस तरह की बातें करते हैं। इमरान खान साहब पहले तो बहुत दावे किया करते थे कि जी अगर मुझे किसी मुल्क से कुछ मांगना पड़ गया तो मैं तो जी खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कहा यह जाता है कि जी जब भी कोई बजट आता है तो कहते हैं कि जी ये अवाम दोस्त बजट है, लेकिन पाकिस्तान में जो बजट इस बार आया है वो अवाम दोस्त बजट से ज्यादा फौज दोस्त बजट लग रहा है। आई होप कि हमारा चैनल कोई फौजी या कोई फौजियों को सपोर्ट करने वाला ना देख रहा हो, लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी हैसियत इस मुल्क में क्या है, उनकी हैसियत तो सब जानते ही हैं। वो जैसे मोर्चे बनाते हैं ना, आर्मी वाले मोर्चे बनाते हैं, उसके आगे जो रेत की बोरियां रखी जाती हैं या बजरी की बोरियां रखी जाती हैं गोली से बचने के लिए, पॉलिटिशियंस की हालत उन बोरियों से ज्यादा नहीं है जिनको गालियां। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में ये न्यूज़ हर एक दो साल में आती है कि पाकिस्तान में दुनिया के सबसे ज़्यादा गधे पाए जाते हैं, गधे इन टर्म ऑफ मतलब जो असली वाले गधे जो जानवर होते हैं वो वाले गधे, उनका नंबर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये न्यूज़ जैसे ही आती है तो सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगते हैं, सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ छा जाती है, क्योंकि आपको पता है रीज़न क्या है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गधे पाए जाते हैं। ये सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो गाइज़ आपने देखा पाकिस्तान में एक मूवी भी बनी थी कि डोंकी किंग या डोंकी राजा नाम से मूवी बनी थी, जो कि इमरान खान जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बने थे उसके एक दो महीने बाद मूवी बनी थी। उसमें एक गधा रहता है वो राजा बन जाता है जंगल का, उसकी ये कहानी रहती है। मतलब आप समझ रहे हो मूवी इनडायरेक्टली मतलब इमरान खान को टारगेट करके बनी थी, हालांकि मतलब उसमें ऐसा कुछ टारगेट नहीं किया गया था, लेकिन एक गधा जंगल का राजा बन जाता है। तो गाइस पाकिस्तान में गधों को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी बनी रहती है। गधों को लेकर आपको बता दूं भारत में गधे मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गधे को एक मतलब बेवकूफ़ पागल मतलब बेवकूफ़ टाइप का जानवर समझा जाता है, हालांकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में गधे को बहुत ही ज़्यादा मेहनती और बहुत ही मतलब मेहनत वाला जानवर समझा जाता है, उल्टा है वहाँ पर ऐसा, क्योंकि आपको भी पता है गधा जितनी आप उससे मेहनत कराओ करता रहता है। तो इस टर्म में इंडिया में ऐसा बोला जाता है अरे गधा है तू, मतलब वो कहीं पर भी जाता रहता है गधा है तू। तो गधे को लेकर पाकिस्तान में ये माना जाता है कि गधे का जो मांस है गधे का जो मीट है वो पाकिस्तान चाइना में बेचता है, और ऐसा भी माना गया कि गधे का मांस पाकिस्तान में भी बिकता है। कई जगह ऐसा पकड़ा मतलब गधे का मांस पकड़ा गया था, हालांकि इस्लाम में गधा हराम है। तो दोस्तों ये गधा पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, इसलिए गधे की पॉपुलेशन पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। यहाँ पर सियासी गधों की बात नहीं हो रही है, जो ओरिजिनल गधे उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। पाकिस्तान गधा एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को, और चाइना से आप समझ रहे हो गधे के साथ साथ पाकिस्तानी चीनी जीजा साले वाली कहानी भी चलती रहती है इनकी, इनका वो लड़कियाँ भी एक्सपोर्ट करते हैं या वहाँ पर, कई बार आपने देखा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।